हेलो एवरीवन, जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास सेवन्थ का एग्रीकल्चरल साइंस यानी कि कृषि विज्ञान चैप्टर नंबर थर्ड है, भू परिष्करण। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक है, इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। यहाँ पे एक प्रश्न के चार क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिसमें से एक ही सही है और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर वन पूछ रहा है कि भू परिष्करण से क्या समझते हैं, भू परिष्करण क्या होता है। उत्तर में पहला ऑप्शन दे रखा है केवल जल का संचार होता है। दूसरा है केवल वायु का संचार होता है। तीसरा पॉइंट है जल एवं वायु दोनों का संचार होता है या ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भू परिष्करण होता है इसको हम कहते हैं, इसमें जल एवं वायु दोनों का संचार होता है उसको हम बोलते हैं भू परिष्करण। प्रश्न नंबर सेकंड है, पाटा लगाने से क्या होता है। तो दोस्तों पाटा लगाने से क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि केवल बड़े बड़े ढेले टूटते हैं। दूसरा है केवल छोटे छोटे ढेले टूटते हैं। तीसरा है बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के ढेले टूटते हैं। चौथा है ढेले टूटते ही नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के जो ढेले होते हैं टूटते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड है, पतली पपड़ी या टिल्थ से क्या होती है। तो जो पतली पपड़ी हो या टिल्थ होता है दोस्तों उससे क्या होता है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे मृदा की नमी नष्ट हो जाती है। दूसरा है मृदा की नमी बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है मृदा की नमी सुरक्षित रहती है। या चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पतली पपड़ी होती है या टिल्थ होता है दोस्तों उससे क्या होता है कि मृदा की जो नमी रहती है वो सुरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर ग इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर फोर्थ है, मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है। तो मिट्टी चढ़ाने से फ्रेंड्स क्या होता है, पहला ऑप्शन है कंद वाली फसलों को नुकसान होता है। दूसरा ऑप्शन है कंद वाली फसलों को लाभ होता है। तीसरा ऑप्शन है कंद वाली फसलों को लाभ एवं नुकसान होता है। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है, जो कंद वाली फसलें होती है उनको क्या होता है, लाभ होता है। प्रश्न नंबर फिफ्थ है, बाहर से अंदर की जुताई कैसे की जाती है। तो ये सीधे सीधे करते हैं। दूसरा है तिरछे तिरछे करते हैं। तीसरा है गोल आकार में करते हैं। चौथा बाहर से अंदर की ओर करते हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रखा है उसका आंसर भी उसी प्रकार से है। तो बाहर से अंदर की जुताई करते हैं और बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर सिक्स है, देसी हल से क्या कर किया जाता है। पहला ऑप्शन है मिट्टी की खुदाई की जाती है। दूसरा ऑप्शन है मिट्टी की पलटाई की जाती है। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की जुताई की जाती है। चौथा ऑप्शन है मिट्टी की सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों आपको आंसर दिख ही रहा होगा सामने है, तो देसी हल से क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें से पहला कथन दे रखा है भू परिष्करण से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है या घटती है। तो दोस्तों जो भू परिष्करण से क्या होता है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, पाटा लगाने से कृषि कार्यों में क्या होती है, सुविधा होती है या असुविधा होती है। दोस्तों आंसर में लिखेंगे, खाली स्थान में लिखेंगे, पाटा लगाने से कृषि कार्यों में सुविधा होती है। थर्ड पॉइंट है, मिट्टी चढ़ाने से कंद बड़े होते हैं या छोटे हैं। तो जो मिट्टी चढ़ाने से दोस्तों हमारे कंद होते हैं वो बड़े होते हैं। पॉइंट नंबर फोर है, पट्टियों में जुताई खाली स्थान भागों में की जाती है। तो पट्टियों में जुताई जो होती है पहाड़ी एरिया में की जाती है या मैदानी एरिया में। तो पट्टियों में जो जुताई होती है दोस्तों पहाड़ी एरिया में की जाती है। उथली जुताई में भूमि को कितने सेंटीमीटर की गहराई तक जोतते हैं, 10 से 20 या 40 से 80। तो जो उथली भूमि होती है दोस्तों वहाँ पे हम 10 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करते हैं। अगला है, कुदाल से खेत की क्या किया जाता है, गुड़ाई की जाती है या जुताई की जाती है। तो दोस्तों कुदाल से खेत की हम गुड़ाई करते हैं, क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं। और हम खुरपी से क्या करते हैं, निराई करते हैं। जबकि हल की बात करता है तो हल से हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड है, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही का निशान तथा गलत हुए गलत का निशान लगाना है। पहला कथन दे रखा है भू परिष्करण द्वारा भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दशाओं में सुधार होता है। बिल्कुल बात सही है, जब भी हम भू परिष्करण होता है तो उससे क्या होता है, भूमि का जो भौतिक एवं रासायनिक दशाएं होती है उसमें सुधार होता है। सेकेंड पॉइंट है, पाटा लगाने से खेत ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, जब भी हम पाटा लगाते हैं तो हमारा खेत जो होता है समतल हो जाता है। अगला पॉइंट है, मृदा की ऊपरी सतह पर बनी पपड़ी
मृदा नमी को नष्ट कर देती है। ये बात बिल्कुल गलत है। मृदा के ऊपर जो बनी ऊपरी पपड़ी होती है मृदा के अंदर की नमी को बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, पाटा लगाने से बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम पाटा लगाते हैं मिट्टी अगर भुरभुरी एकदम महीन हो जाती है तो बीजों का अंकुरण उसमें अच्छा से होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी चढ़ाने से गन्ने की फसल अधिक वर्षा एवं तेज हवा से गिर जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो जो गन्ने की फसल होती है वो मजबूत हो जाती है और वर्षा ऋतु में वो गिरती नहीं है, ना ही अधिक तेज हवा से कारण वह गिरती है। इसलिए ये बात गलत होती है। किसने बोल दिया कि गिर जाती है। अगला पॉइंट है, अंदर से बाहर की जुताई में खेत के एक कोने से प्रारंभ करके धीरे धीरे अंदर की ओर जाते हैं। तो ये बात गलत है दोस्तों। अंदर की बाहर की जुताई में हम क्या करते हैं, यहाँ पूछ रखा कि हम लोग कोने से प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे अंदर की ओर जाते हैं। गहरी जुताई को उथली जुताई भी कहते हैं। बात गलत है। गहरी जुताई को मुथली जुताई नहीं कहते हैं। जो उथली जुताई होती है तो वो दोस्तों 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि गहरी जुताई हमारा 40 से 80 सेंटीमीटर होता है। तो ये बात हमारी गलत हो जाती है। देसी हल एक आधुनिक हल, ये भी बात गलत है। देसी हल कैसे आधुनिक का हल हो जाता है, मॉडर्न कैसे हो सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाइए। स्तंभ का की बात करते हैं तो स्तंभ का में देसी हल क्या होता है, देसी हल का कार्य क्या है, मिस्टर हल का कार्य क्या है, कंद वाली फसल क्या है और डिबलर के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आपको मिलान करना है। तो दोस्तों देसी हल से हम क्या करते हैं, देसी हल से हम जुताई करते हैं, मिस्टर हल से हम मिट्टी को पलटते हैं, कंद वाली फसलों पर हम क्या करते हैं मिट्टी चढ़ाई जाती है और डिबलर से हम बीज बोने का कार्य करते हैं। ये बीज बोने का यंत्र है डिबलर हमारा। प्रश्न नंबर 5 है, भूमि का कटाव किस क्रिया द्वारा कम हो जाता है। तो भूमि का जो कटाव है दोस्तों किस क्रिया द्वारा हम कम कर सकते हैं, तो हम भूमि का अगर परिष्करण कर दें तो हमारी भूमि की जो कटाव है वो कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कंद वाली फसलों के नाम लिखिए। आपसे पूछ रखा है जो कंद वाली फसलें हैं कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। शकरकंद, आलू, अरवी और बंडा, ये क्या हमारी कंद वाली फसलें हैं। शकरकंद, आलू, अरवी और बंडा। अरवी को हम बोलते हैं घुइया बोलते हैं, यहाँ पर लखनऊ एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर घुइया बोलेंगे, ठीक है, उससे अरवी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी फसल मिट्टी ना चढ़ाने से तेज हवा से गिर जाती है। दोस्तों जो गन्ना होता है अगर गन्ने के किनारे हम मिट्टी ना चढ़ाएंगे तो तेज हवा में वो क्या होगी, गिर जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, अंदर से बाहर की जुताई विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अंदर से बाहर की जुताई का इस प्रकार से होती है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ठीक है, अंदर से बाहर की जुताई की गई यहाँ पे, इस प्रकार से फिगर बना लीजिएगा। लगातार बाहर से अंदर की ओर जुताई करने से खेत में तल जो होता है नीचा हो जाता है, अतः कभी कभी खेत की जुताई अंदर से बाहर की ओर करनी चाहिए, जिससे जुताई खेत के बीचों बीच से प्रारंभ करके धीरे धीरे बाहर की ओर लाकर समाप्त करते हैं। गहरी जुताई क्यों की जाती है, यदि गहरी जुताई ना की जाए तो क्या नुकसान होगा। दोस्तों गहरी जुताई हम क्यों करते हैं, अगर गहरी जुताई नहीं करते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है, उत्तर में लिखेंगे, भूमि में 40 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहरी जुताई गहराई तक जुताई को गहरी जुताई कहते हैं। इसका उद्देश्य नमी सुरक्षित रखना एवं भूमि की निचली सतह से कठोर परत तोड़ना होता है। गहरी जुताई ना करने से भूमि में नमी सुरक्षित रखना संभव नहीं होता। अगर यदि हम गहरी जुताई नहीं करते हैं तो भूमि की जो नमी है उसको हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमें गहरी जुताई करना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें पूछ रखा है कि देसी हल बनाकर उसके भागों के नाम लिखे। तो दोस्तों इस प्रकार से देसी हल होता है, पहली बात तो आप देख लीजिए देसी हल का निर्माण इस प्रकार से होता है। इसमें क्या क्या हम प्रयोग करते हैं, एक तो हमारा हत्था होता है, इस प्रकार से है, आगे होता है पकड़ने वाला, उसको मुठिया बोलते हैं, यहाँ पे परोठा होता है जो यहाँ पे लगा होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं परोठा, लकड़ी का बना होता है, उसके बगल में ऊपर के हिस्से में यह फार लगा होता है, इसको लोहे के फार बोलते हैं, और ये हमारा है हरीस होता है, जो लंबा सा डंडा यहाँ से यहाँ तक होता है, ये हमारा हरीस कहलाता है, ठीक है। इसमें कुंडी डाले जाते हैं, हरीस को टाइट करने के लिए यहाँ पर ठोका जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार से आपने देखा देसी हल का चित्र, इस प्रकार से बना लीजिएगा क्या क्या होता है, इसमें मुठिया है, हत्था है, परोठा है, लोहे की फार होती है, परोठा जो ये मोटाला जो लकड़ी का हिस्सा है भी होता है, हरीस भी हमारा लकड़ी का होता है जिसमें लोहे का केवल फार का इस्तेमाल किया था, और सब हमारा लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ पे होता है।
प्रश्न नंबर 11 है डिबलर का चित्र बनाएं। डिबलर इस प्रकार से होता है, अगर यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है तो इससे क्या करते हैं, बीज की बुआई करते हैं गहराई में ले जा करके, जिससे पक्षियों से हम बचा सकते हैं, पक्षियाँ क्योंकि बीजों को खा जाती हैं, इसलिए पक्षियों को बचाने के लिए गहराई में हम इसको बीजों को छोड़ते हैं और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिबलर का। डिबलर का चित्र इस प्रकार से अपनी पुस्तक से बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपका। प्रश्न नंबर 12 में पूछा रहा है कि शून्य भू परिष्करण का क्या अर्थ है, इससे इसके लाभ एवं हानियां बताएं। दोस्तों शून्य परिष्करण, भू परिष्करण क्या होता है इसको पूछा है, और उसके क्या लाभ है क्या हानि है इसके बारे में भी आपको जानना है। तो उत्तर में लिखेंगे किसी फसल की बुआई, फमन लिखा है यहाँ पे, इसको गलत तक काट दीजिएगा, लिख लीजिएगा फसल, ठीक है। किसी फसल की बुआई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे रूप से करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। यानी किसी फसल की अगर हम बुआई कर रहे हैं तो उसके जो पूर्व अवशेष हैं, पूर्व फसल के जो अवशेष हैं, अवशेषों को बिना जुताई किए, उसको बिना जुताई किए सीधे रूप से हम जो अगर भू परिष्करण कर देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, शून्य भू परिष्करण कहलाता है। अगर हम शून्य भू परिष्करण की बात करते हैं तो पहला इसमें इसका जो लाभ है, लाभ क्या होता है दोस्तों, लाभ की बात करें तो खेती की लागत में कमी आती है, पहला पॉइंट है। यहाँ पे हमारा जो आमदनी होगा कम लगेगा, यहाँ पे खर्चा कम लगेगा। दूसरा है मृदा क्षरण कम होगा। दूसरा पॉइंट हमारा मृदा की क्षरण जो होगा वो कम होगा। तीसरा पॉइंट है मृदा संरचना को यथावत बनाए रखते हैं, जो मृदा की संरचना होती है दोस्तों वो यथावत बनी रहती है। पॉइंट नंबर 4 है श्रम एवं धन की बचत होती है, यानी श्रम और मतलब मेहनत और पैसे की बचत होती है। अगर हम शून्य परिष्करण की हानि की बात करते हैं तो इसमें हानियाँ भी हमारी होती हैं। कौन कौन सी हानियाँ हैं, पहला पॉइंट है मृदा में सख्त सतह का बनना, मृदा के अंदर क्या होता है दोस्तों, सख्त सतह बन जाती है। दूसरा है पूर्व फसल के अवशेषों पर लगे हुए काट एवं रोग का प्रभाव अगली फसल पर होता है। मान लीजिए किसी पूर्व फसल में कोई रोग लगा हुआ है तो उसका जो प्रभाव होगा आगे वाली फसल पर भी होगा। तीसरा है शाकनाशी रसायन का अधिक प्रयोग होना, इसमें क्या होता है कि जो शाकनाशी रसायन का अधिक प्रयोग होता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।